पाकिस्तान पंजाब के अवाम को ईद उल अज़हा मुबारक। इस ईद के पूर्व मुसर्रत मौके के ऊपर मैं आपसे सिर्फ तीन मौजूदात पर एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ, डेंगू के हवाले से, कोंगो फीवर के हवाले से और कोविड के हवाले से। कोविड के हवाले से सिक्स वेव की आमद आमद है, अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई। अगर हम और आप मिलकर इसका मुकाबला करना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि ये वेव हमें मोर्टेलिटी इंक्रीज ना करे, मोबिलिटी इंक्रीज ना करे, तो सिर्फ तीन मैसेजेस: मास्क, समाजी फैसले, हैंड वॉशिंग। डेंगू के हवाले से ईद के मुसर्रत मौके के ऊपर और बारिशों के मौसम के मुनासबत से आपने अपने घरों की, कंस्ट्रक्शन साइट्स की, अपने दफातर की, अपने स्कूलों की हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, सफाई आपने खुद करनी। पानी ना खड़ा होने दें, आपने घर में जो काट कबाड़ है उसको ठिकाने लगवाइए और गमलों में, फ्रिजों की ट्रे में, कूलर में पानी ना खड़ा होने दें। और ख़ासकर कुर्बानी के जानवर की आलाइशों को घर के बाहर या मोहल्ले में या सड़कों के ऊपर इकट्ठा ना होने दें। बारिश पड़ेगी, पानी वहाँ पर इकट्ठा होगा, डेंगू का मच्छर पैदा होगा, मच्छर पैदा होगा तो इन्फेक्ट होगा और डेंगू की डिजीज़ फैलेगी। कोंगो फीवर, आपसे फिर दरख्वास्त है कि जब आप मवेशी मंडियों का दौरा करें कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त करने के लिए, एक तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए, कुर्बानी के जानवरों को टटोलते वक्त दस्तानों का इस्तेमाल कीजिए, वहाँ पे मौजूद महकमा लाइफ स्टॉक के अमले से रजू कीजिए, उससे मशवरा कीजिए कौन सा जानवर सेफ है, कौन सा जानवर आपको शक में मुबतला कर सकता है, और उस हवाले से उनसे रबता कायम कीजिए, अपने आप को वहाँ से बचा कर रखिए और बच्चों को मवेशी मार्केटों में ना लेके जाइए। इन चीज़ों के हवाले से डेंगू, कोविड, कोंगो फीवर, इससे बचिए, इससे बचाइए अपने आप को, अपने ख़ानदान को, अपने गिरदनवा को। अल्लाह आपका, हमारा, हामी व नासिर हो।